नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। आज हम बताने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स है और प्लीज आपने आखिरी तक वीडियो देखना है। हम जब ब्लाउज की कटिंग करते अस्तर पे हमें डर क्यों लगता है, तो वो बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, तो प्लीज आखिरी तक वीडियो देखना है। वीडियो पसंद आने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन पे भी क्लिक करो, यानी जो भी नई लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल में पहले आ जाएगी। तो चलो अभी वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे हमने अस्तर लिया और वो मेन साड़ी का ब्लाउज पीस है। देखो ये बॉर्डर वाली साड़ी का ब्लाउज पीस हमने लिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम लोग ब्लाउज कटिंग करते हैं, हमें डर लग जाता है यार इतनी भारी हम साड़ी कट कर रहे हैं, कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा वैसा फलाना फलाना, हमें ऐसे लगता है। तो डरने का नहीं दोस्तों, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले अस्तर ही कट कर करेंगे। ये मैंने अस्तर ले लिया हुआ है, ये पैटर्न का ब्लाउज है, पर मैं आगे आगे आपको बताती जाऊंगी, पहले सिंपल में बताऊंगी, यानी आपको इजिली समझ आ जाएगा। ये अस्तर है, अस्तर को मैंने पहले इस्त्री कर ली थी, अभी इसको हमें फैला देना है इसी तरह से। देखो इसी तरह से हमें अस्तर को पहले फैला देना है। अब यहाँ पर हमने अस्तर को अच्छी तरह से फैला दिया, एकदम एक जैसे। देखो वाला ये पन्ना, बन वाला जो पन्ना होता है, बन घड़ी हमारे पास चाहिए। अभी हम लोग कटिंग ले लेते हैं। जैसे आप सभी को मालूम है गीता लेडीज टेलर की कटिंग लॉन्च हो ही गई है, जिन लोगों को भी लेना होगा तो वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट का नाम है लैपोज, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। 28 से लेके 42 तक है, 5 प्रकार की हमने कटिंग दी है, सस्ती भी है और सबसे अच्छी भी है। तो यहाँ पे हमारी ये कटिंग है गीता लेडीज टेलर कटिंग, हम लोग 38 साइज का हम बताने वाले। तो यहाँ पे मैंने 30 साइज की कटिंग ले ली है, तो मैं आपको थोड़ा कटिंग के बारे में बोल दूंगी। ये प्रिंस कट है और ये हमारी 4 टक्स है और ये बैक साइड पीछे का पार्ट एक ही होता है, एक क्रॉस पट्टी है और इसी के साथ हमने दिया हुआ है स्लीव्स, कटोरी ज्वाइंट होती है, टुकड़ा कटोरी। इसमें खाली 1 टक्स हमने दिया नहीं, खाली 38 से 42, बाकी सब में 1 टक्स हमारा ब्लाउज है। तो हमें यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, हम लोग कटोरी का ब्लाउज सिलने वाले, तो हमें कौन से पार्ट लगने वाले, तो यहाँ पे मैंने डिटेल बताया हुआ है। जैसे कि आपको 1 टक सिलना हो, 4 टक, ऐसे हमने डिटेल हमने दी, तो आप वहाँ से आप देख सकते हो। तो अभी हम कटोरी का ब्लाउज सिलने वाले, तो कटोरी का पार्ट हम कट करेंगे। तो ये कटोरी वाले पार्ट को हमें इसे कट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमने कटिंग कट कर ली, देखो इसी तरह से कटोरी वाला ब्लाउज सिले तो हमें ये पार्ट लगे, 1, 2, 3, ये 4, ये 5, हमें ये 5 पार्ट हमें कटोरी को लगते हैं। जैसे हमने सारे दिए हुए उसमें लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो दोस्तों। तो अभी हमें डर लगता है अस्तर पे रखने के लिए, फिर ब्लाउज कैसे बनेगा, क्या बनेगा, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, तो प्लीज आपने देखना है। अभी हम लोग कपड़े पे यानी अस्तर पे कैसे रखा जाता वो बता रहे हैं। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने बैक साइड ले लिया, इसकी लेंथ थी 13.5 थी, ये 14 है, यानी पूरी टोटल ये। आपको लेंथ ज़्यादा बढ़ानी होगी तो नीचे से बढ़ाना, कंबर के साइड से, जैसे मैं आपको लेके बता देती हूँ दोस्तों। पहले अस्तर पे कटिंग करनी है, बाद में मैं मेन फैब्रिक पे कटिंग करनी है, तो पहले डायरेक्ट इससे नहीं कट करना। अभी आपको लेंथ कम लग रही है, मुझे 14 की लेंथ चाहिए, मुझे 15 की लेंथ चाहिए, तो हमें क्या करना है, पहले मेजर टेप ले लेना है, ऐसे गिन लेना है। देखो ये 15, तो यहाँ से नीचे से हमें 1 इंच बढ़ा देना है, नीचे से, ऊपर से बढ़ाना नहीं है, पहले ही बात मैं आपको बता रही हूँ। कम लेंथ चाहिए तो फिर इसको हमें नीचे से इसे फोल्ड कर लेना है, कम लेंथ चाहिए, और ज्यादा चाहिए तो बढ़ा लेना नीचे से। ओके, अभी ये तो परफेक्ट है, तो हमें लेंथ बढ़ाने पे बढ़ानी नहीं, जैसे वैसे मैं रख लेती हूँ। देख रहे हो अस्तर, यहाँ पे मैं कैची रख लेती हूँ वजन के लिए, यानी पेपर हमारा उड़ना नहीं चाहिए, देख रहे हो। अभी यहाँ पे जैसे वैसे ड्रॉ कर लेना है। हाँ दोस्तों, जिन लोगों को कटिंग आती नहीं है, स्टिचिंग आ जाती है, उनके लिए तो बहुत ही स्पेशल है, गीता लेडीज टेलर की कटिंग लेनी है, कपड़े पे रखना है, जैसे कि आप देख रहे हो सेम टू सेम कपड़े पे रख के कटिंग करके हमारा वीडियो देख के सिलना है, परफेक्ट 101% बोल के आपको ब्लाउज आ ही जाएगा सिलने में। देख लो अभी यहाँ पे हमने टक्स पॉइंट है, अभी ये टक्स पॉइंट हमें देख लेना है कितना है, 4.25 है, तो 4.25 पे हमें ऐसे टिक मार्क कर लेनी है। ये तो अंदाजे से भी लिया जाता है दोस्तों, ऐसा नहीं, पर आपको बताने के लिए मैं आपको एक बता रही हूँ इसी तरह से। तो ये हमारी है टक्स पॉइंट, क्रॉस में हमें सिलाई करनी है। अभी ये पार्ट हमारा हो गया है, अभी हमने लेना है दूसरा पार्ट, इसको मैं थोड़ा ऐसे सिल कर लूँगी, फैला दूंगी कपड़ा। अभी यहाँ पे दूसरा पार्ट लेना है, जहाँ यहाँ पे हमने नंबर दिए हुए हैं, अभी इसको हमें ऐसे बिठा देना है। कपड़ा कभी भी स्ट्रेट चाहिए, आड़ा टेढ़ा नहीं, तो आपको लगा चलो यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा बिठा दिया तो हम लोग ऐसे रख देते हैं, है ना, या यदि ऐसे रख देते हैं ये भी अच्छा हो जाता, नहीं दोस्तों ऐसी गलत आपने करना ही नहीं है। और यहाँ पे हमने ऐसे रखना है, जो ये वाला पार्ट जो सीधा होता है वैसे ही हमें रखना है दोस्तों, सेम टू सेम। और हमारी मार्जिन हमने ज़्यादा दी है गीता लेडीज टेलर कटिंग में, यानी आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं।
अब यहाँ पे देखो आपके सामने मैं आपको बता रही हूँ, सेम टू सेम हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं इसी तरह से, और देखो एकदम परफेक्ट। जिन लोगों को कटिंग नहीं आती होगी उनके लिए बेस्ट है, जिन लोगों को आती होगी तो उनके लिए भी अच्छा है। और इतना पेपर रखने का और डायरेक्ट ड्रॉ करके कटिंग करने का, देख रहे हो एकदम। अभी यहाँ पे एक पार्ट हो गया, ये एक वाला, ये हो गया दो पार्ट, अभी हमें लेना है तीसरा पार्ट। अभी तीसरा पार्ट लेने तो ये लेना है हमें, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे खिसका दूंगी। अभी ये जो कपड़ा बच रहा है, कटोरी कैसे रखी जाती है वो भी हम आपको बताएंगे। ये वाला जो पॉइंट दिखता है, ये वाला पॉइंट, तो हमें ऐसे कटोरी रखनी है, देख रहे हो इसी तरह। और ये वाला जो पार्ट होता है ये सीधा हमें चाहिए, देख रहे हो यहाँ पे सीधा हमें चाहिए, ये या तो ये, दोनों में से एक सीधा तो चाहिए ही, देख रहे हो इसी तरह से। देख रहे हो मैं खींच रही हूं, मैं यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देती हूँ, इसी तरह से एक कपड़ा ऐसा खींचना चाहिए और ये कपड़ा ऐसे खींचना, तभी जाके हमारी कटोरी परफेक्ट हमें बैठ जाती है। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ज्यादा करके मैं सजेस्ट करूंगी, ये वाला जो पार्ट होता है ना, मैं यहाँ पे एरो कर रही हूँ, ये हमें स्ट्रेट में चाहिए, देख रहे हो इसी तरह से। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा ये वाला स्ट्रेट, तो यहाँ पे जैसे वैसे ड्रॉ कर लेना है हमें, सेम टू सेम। यहाँ पे कुछ करना नहीं, बढ़ाना वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गीताली स्टेरी कटिंग में हमने बढ़ा ही दिया हुआ है, बढ़ा के दिया हुआ है, यानी आपको ज्यादा तकलीफ होगी नहीं, देख रहे हो इसी तरह से। मैं कभी भी ना दोस्तों अस्तर पे कटिंग कर लेती हूँ, बाद में मेन फैब्रिक पे कटिंग कर दो, बहुत सारे क्या होते हैं अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों साथ में ही कटिंग कर लेते, उनके लिए भी अच्छा है, कुछ उनको प्रैक्टिस होगी, पर आपको प्रैक्टिस नहीं होगी ना, तो आपने पहले अस्तर पे कटिंग कर लेनी है, बाद में मेन फैब्रिक पे कटिंग करनी है, ये एकदम इजी तरीका हो जाता है। और जिन लोगों को ब्लाउज नहीं आता वो भी इजीली सिल पाएंगे इसी तरह से। तो यहाँ पे इसी तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया है, सेम टू सेम आप देख सकते हो। अभी आपको लगा ये डॉट डॉट क्यों रखा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, किसी को कम गला पसंद होता है, किसी को ज्यादा गला पसंद होता है, वो अपनी चॉइस है, तो आप आपके हिसाब से कम या ज्यादा गला कर सकते हो, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है ऑप्शन। अब ये हो गया तीसरा पार्ट, यहाँ पे मैं तीन नंबर का नाम दे देती हूँ, अभी इसको मैं थोड़ा साइड कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे हमने लेना ही क्रॉस पट्टी ले लेते हैं, देख रहे हो, अभी यहाँ पे मैं क्रॉस पट्टी ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं रख देती हूँ क्रॉस पट्टी, यदि ऊपर भी रख सकती हूँ, यहाँ पे रख दूंगी तो यहाँ पे मुझे कमर पट्टी का कपड़ा निकालना है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ऊपर ही रखना देना चाहती हूँ, देखो इसी तरह से, देख रहे हो परफेक्ट सीधी लाइन दे देनी है, और जैसे वैसे इसको भी ड्रॉ करना है, इसमें कुछ नया कुछ करना ही नहीं है दोस्तों। हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने भी हमारी कटिंग ली होगी ना दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बता देना है ब्लाउज कैसे बैठ जाता है आपको, यानी जो लोग को लेना है वो भी इजीली ले पाएगी, यानी ब्लाउज सिलने को किसी को बहुत हार्ड लगता है, यार ब्लाउज हम सिलेंगे तो कैसा होगा क्या होगा, आजकल तो ब्लाउज की सिलाई भी देना हमें बहुत महंगी पड़ जाती है, तो क्यों ना फिर पेपर कटिंग लिया जाए और घर पे ही हमारा ब्लाउज अच्छी तरह से हम लोग सिल पाएंगे, है ना। अभी यहाँ पे हो गया ये चौथा पार्ट, यहाँ पे मैं चार नंबर दे देती हूँ। अभी हमें स्लीव्स देखना है, स्लीव्स कैसे रखी जाती है। अभी यहाँ पे स्लीव्स लिया है दोस्तों, बहुत लंबी स्लीव्स है, अभी मेरा जो कस्टमर अभी जो मुझे ब्लाउज दिया है उसकी स्लीव बहुत छोटी है, देख रहे हो, मैं आपको लेके बता देती हूँ, अभी तो ये लंबा तो मैं करूँ कि तो कैसे करूँ, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। आपने पहले क्या करना है, न्यूज़पेपर ले लेना, न्यूज़पेपर पे पहले कटिंग करनी है, ओके। तो अभी तो हमें प्रैक्टिस है इसलिए मैं डायरेक्ट करने वाली हूँ। अभी यहाँ पे कितनी है, चार की स्लीव है, देख रहे हो ये चार वाली स्लीव है, तो अभी ये कितनी बड़ी, तो हमें चार से एक इंच बढ़ा देना है, पाँच पे कर लेना, ऊपर से करना है पाँच। तो यहाँ पे मैं इसे ड्रॉ कर लेती हूँ, लाइन दे देती हूँ पाँच की। और अभी आपको लगा है अभी ये कटिंग करना है, यहाँ पे कटिंग करना नहीं है दोस्तों, हमें खाली क्या करना है, इसे फोल्ड कर लेना है, देख रहे हो जहाँ पे मैंने लाइन दी ना वहाँ पे हमें इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। आपको पेपर न्यूज़पेपर पे कटिंग करना है पहले, बाद में कटिंग करना है, अभी हमें प्रैक्टिस है इसलिए मैं इसको यहाँ पे इजिली शॉर्टकट तरीके से मैं इसको फोल्ड करूँगी इसी तरह से, देख रहे हो, यानी परफेक्ट हमारा ब्लाउज आ जाएगा। अभी ये हो गया हमारा पाँच का, तो भी एक बार हम लोग यहाँ पे सेंटर देख लेंगे, परफेक्ट आ गया सेंटर, ये वाला सेंटर हमें देख लेना है। अभी हमें यहाँ पे रखना है, यदि आप यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, पर मैं ये कपड़ा इसलिए बचा रही हूँ क्योंकि हमें पाइपिंग लगानी है, कमर पट्टी लगानी है, थोड़ा पैटर्न भी बनाना है, पैटर्न के लिए तो हमें एक मीटर कपड़ा लग जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे रख देती हूँ स्टेट में, देख रहे हो, यहाँ पे कैची रख लेती हूँ, इसको हमें इसे सीधी लाइन दे देती हूँ, एक इंच बढ़ाना है, जब भी चार की स्लीव होती है तो पांच ले लेना है, जो
होता है ना, कितना भी आपको बढ़ा तो 1 इंच बढ़ा देना है बस, कम ज्यादा कपड़ा नहीं गिरना चाहिए। अभी यहाँ पे मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ सेम टू सेम। हो गई हमारी ये, अभी इसको हम देंगे 5 नंबर स्लीव्स के। अभी कटोरी ब्लाउज में हमें देख रहे हो आप, ऐसे हमें रखना है परफेक्ट। तो अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। देखा ना मैंने पहले अस्तर पे ड्रॉ कर लिया हुआ एकदम सिंपल तरीके से। अभी हम लोग कटिंग करेंगे, एक एक पार्ट हमें पहले ऐसे कटिंग कर लेना है इसी तरह से, एकदम इजीली है और शॉर्टकट तरीका है। तो क्यों ना भी सारे पार्ट हमें ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए हमें मेन मेन पार्ट में आपको बताऊंगी, यानी आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे सारी अस्तर की कटिंग हमने कर ली, देखो इसी ये स्लीव से एक क्रॉस पट्टी कटोरी और ये पीछे का पार्ट। अभी हम लेंगे मेन फैब्रिक। अभी ये मेन साड़ी का ले लिया है पल्ला, देख रहे बॉर्डर है। अभी हमें देखना है कि ये पैटर्न भी करने वाले हैं दोस्तों, पहले हम लोग कटिंग बताएंगे आपको। अभी ये देखो यहाँ पे हमें इसको ऐसे रखना है, हमें ये बहुत बड़ा है तो हमें उल्टे से रखना है, जो ये सीधा बॉर्डर होता है ना हमें अंदर की तरफ चाहिए इसी तरह से, देख रहे हो एकदम इसको हमें ऐसे बिठा देना है। और जैसे हमने कैसे अस्तर पे कटिंग की वैसे इसको सेम टू सेम वहाँ पे कटिंग करनी है हमें। कपड़ा फैला देना है अच्छी तरह से। हाँ दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगता है, आपको कौन से रिलेटेड वीडियो चाहिए वो कमेंट करके जरूर बता देना है हमें, हम वो टाइप के वीडियो आपको अपलोड करेंगे। अभी यहाँ पे हमने अच्छी तरह से बॉर्डर लगा दिए, अभी यहाँ पे पीछे का पार्ट रख लेंगे इसी तरह से, देख रहे हो ओके। अभी हम कटिंग करेंगे, एक एक पार्ट का कटिंग करते जाना है हमें, एक एक पार्ट इसी तरह से। थोड़ा ज़्यादा ही कट करना है, कम नहीं लेना, ये वाला थोड़ा पाउंड ज़्यादा ही लेना है, क्योंकि हम फेविकोल से चिपकाएंगे ना तो कम नहीं पड़ना चाहिए कपड़ा इसीलिए। तो देख रहे हो यहाँ पे ऐसे कट करते जाना है और हमने हाथ ऐसे रखना है, इससे क्या कपड़ा हिलेगा नहीं। यदि आपका कपड़ा ज़्यादा हिलता होगा तो जो पीना पाती ना पीना टाचनी वो लगा देना, इससे कपड़ा हिलेगा नहीं। अभी एक पार्ट ये हो गया, इसको हमें साइड कर लेना है। इसी के साथ हमने ले लेना है दूसरा पार्ट, इसको हम ऐसे रख लेते हैं। ये वाला होगा हमारा सेकेंड वाला पार्ट, इसको हमें ऐसे बिठाना है सेम टू सेम, देख रहे हो अच्छी तरह से। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें ऐसे कट कर लेना है, थोड़ा एक्स्ट्रा कट करना है, थोड़ा ही ज़्यादा नहीं, फिर हम इसको फेविकोल से चिपकाएंगे ना। बहुत सारे कहते हैं स्टिचिंग कर लेते हैं बाद में ब्लाउज सिलते, वैसा नहीं, फेविकोल से चिपका देने का और हमारा काम आसान तरीका हो जाता है। अभी यहाँ पे इसको ऐसे कट कर लेते हैं, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी कट कर लेना। इसी के साथ ही हमें बाहर बारिश भी बहुत आ रही है दोस्तों, अभी यहाँ पे इसी तरह से देख रहे हो। अभी ये दूसरा पार्ट है, अभी तीसरा पार्ट हम देखेंगे कैसे रखना है। देख रहे हो यहाँ पे मैंने थोड़ा मैं साइड ले ली तो आपको दिखने के लिए। अभी ये जो बॉर्डर है हम लोग यहाँ पे इसको कट कर लेंगे थोड़ा ज्यादा, ये पैटर्न में ले लेंगे क्योंकि ग्रीन कलर की ब्लाउज साड़ी है तो ग्रीन का भी पैटर्न लगाने वाले, इसको मैं साइड कर लेती हूँ। अभी ये जो पार्ट दिख रहा है इसको भी हमें स्ट्रेट से लगाना है इसी तरह से सेम टू सेम, नहीं तो आप अस्तर ऐसे लगा दिया तो हम लोग ऐसे लगा, ऐसा गलत करना है। जैसे अस्तर को बिठाए वैसे ही मेन फैब्रिक को भी बिठा देना, देखो इसी तरह से। ये वाला पार्ट हमें स्ट्रेट चाहिए, अभी हमें इसे कट कर लेना है इसी तरह से, थोड़ा ज़्यादा ही कट कर लेती हूँ मैं, थोड़ा उल्टा हाथ गिरा ना मेरा, कोई बात नहीं, बाद में हम लोग फिनिश के साथ कर लेते हैं। एकदम थोड़ा ज़्यादा ही कट कर लेना है, कम नहीं कट करना है, क्योंकि हम लोग चिपकाने वाले हैं ना फेविकोल से, इसीलिए कि जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाद में हम लोग कट कर लेंगे इसी तरह से ओके। ये होगी कटोरी, अभी हम रखेंगे क्रॉस पट्टी, इसको भी थोड़ा ऐसे रख लेती हूँ मैं। ये होगी क्रॉस पट्टी, यहाँ पे रख देना है सेम टू सेम। ब्लाउज सिलना कुछ हार्ड नहीं दोस्तों, इजी है, खाली इसके लिए क्या लगती है हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है। अब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपके लिए अच्छा है, हमारे हाथों की फिनिशिंग बढ़ जाती है। फिर इसको ऐसे रखना है परफेक्ट, आड़ा टेढ़ा देख लेना है कपड़ा, देखो आगे पीछे होना नहीं चाहिए, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा तो फिर सिलने में हमें ही प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर बोलेंगे गीता ने बराबर बताया ही नहीं, है ना। इसी तरह से यदि ज़्यादा ले लो कपड़ा कम नहीं लो, तो इसको हमें ऐसे कट करना है। मैं कभी भी नस्तर पे थोड़ा ज़्यादा ही कट कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग जब फेविकोल चिपकाते हैं तो इजीली हमें सिलने को आ जाता है, कम होता है फिर जॉइंट लगाओ,
कभी कभी ज्वाइंट भी लगाना पड़ता है। अभी ये हो गया मेन, अभी हम रखेंगे स्लीव्स। अभी यहाँ पे बॉर्डर पट्टी ले ली, इसको हमें ऐसे रखना है और यहाँ पे हमें स्लीव्स लगा लेनी है। देख रहे हो इसी तरह से एकदम परफेक्ट लगा लेना है। इसी तरह से इसको हमें ऐसे कटिंग कर लेना है, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। देख रहे हो एकदम ये परफेक्ट हमारा ब्लाउज की कटिंग हो गई है रेडी। अभी हमें लगता है आपको अभी डर आपका निकल गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया अस्तर पे कटिंग कैसे की जाती है ब्लाउज की। बहुत जनों को दिक्कत हो जाती है अस्तर पे कटिंग, बोले तो बाबा बाबा कपड़ा हिलता है ये वो वैसा वैसा कुछ ना कुछ आता ही प्रॉब्लम। देख रहे हो इसी तरह से मैं आपको लेके बता देती हूँ। अभी देखो एकदम परफेक्ट आ गया। अभी यहाँ पे सिलने में इतना जाएगा तो ये हमारी, और यहाँ पे थोड़ा सिलने तो हमारी जो कट ब्लाउज परफेक्ट आ ही जाती है। अभी हम सारे पार्ट लेके आपको बता देते हैं। अभी यहाँ पे सारी ब्लाउज की कटिंग तो हो गई, अभी हम लोग चिपका के बताएंगे। बहुत सारे क्या होता है पहले स्टिच कर लेते हैं या अभी ओवरलॉक कर लेते हैं ना, ओवरलॉक भी करने का अच्छा रहता है क्योंकि धागा धोगा निकलता नहीं। अभी यहाँ पे हमें इसे फेविकोल लेना है और इसको हमें इसे डॉट डॉट करना है, साइड साइड में ही करना है। देख रहे हो मेरा, मुझे ये इजी से पड़ता है दोस्तों, मैं तुरंत आधे घंटे के अंदर मेरा ब्लाउज रेडी हो जाता है। अभी इसको हमें ऐसे लेके इसको ऐसे चिपका देना है, ये तुरंत एक मिनट के अंदर चिपक जाता है इसी तरह से। देख रहे हो अभी थोड़ा स्लीज है तो हम यहाँ पे इस्त्री कर लेंगे, यानी एकदम परफेक्ट लेवल में आ जाएगा। अभी ये हो गया, इसको साइड कर लेती हूँ। अभी कटोरी ले लेती हूँ, कटोरी का भी पार्ट मैं आपको बता दूंगी। इसको ऐसे लेके ऐसे खोलना है, ये दोनों पार्ट हमें सेम टू सेम आना चाहिए, सेम टू सेम, तभी जाके हमारी कटोरी एकदम परफेक्ट आ जाएगी। सिलने में हमें मालूम पड़ जाए कौन सा पार्ट हमें कहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे इसको ऐसे डॉट डॉट करना है साइड में, बीच में करना नहीं है। बीच में आप जब करोगे फेविकोल से तो फिर डार्क दिख जाएगा। अभी ये भी इसको हमें ऐसे करना है, यानी सीधा पार्ट आगे आ जाता है, उल्टा पार्ट अंदर चला जाता है। देख रहे हो इसी तरह से। अभी ये एक पार्ट हो गया, अभी इसको मैं थोड़ा साइड कर लेती हूँ। अभी हमें लेना है ये वाला पार्ट। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करो, लाइक करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। आप लाइक करते हैं दोस्तों तो हमें अच्छा लगता है कि हमें समझ में आता है कि हमारे वीडियो आपको पसंद आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी इसको हमें साइड साइड से 3-3 इंच की दूरी पे हमें यहाँ पे इसको फेविकोल लगाते जाना है। देखो इसी तरह से, ओके। अभी यहाँ पे इसको हमें ऐसे ले लेना है और इसको भी ऐसे फैला देना है। आपको ड्रेस के कटिंग के भी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना है दोस्तों। ज़्यादा कमेंट ड्रेस की या ब्लाउज की आते वो टाइप में हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। देख रहे हो अभी ये वाला हो गया, अभी ये वाला हो गया। मैं आपको लेके बता देती हूँ, ये अभी चिपक गया है। अभी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें निकाल लेना है। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा वो बता दूँगी। अभी आपको लगा गीता एक्स्ट्रा कपड़ा बता रही है, पहले तो लगा लिया है, मैं आपको भी एक्स्ट्रा कपड़ा बता देती हूँ कौन सा निकालना है। ये वाला देख रहे हो आप, अभी आपको बताओगी। अभी आपने बताया गीता ने एक्स्ट्रा कपड़ा, अभी ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमें अभी कट कर लेना है इसी तरह से, यानी सिलने में हमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देख रहे हो इसी तरह से। फिर बाद में और एक बार इसको अस्त्री कर लेना है, यानी जो होगी कपड़ा में करली वगैरह वो निकल जाएगी। देख रहे हो इसी तरह से। अभी इसकी भी वैसी सेम हालत हो गई है, मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने ज़्यादा ही कट किया है, पहले ही कब ने कट किया। अभी हम इसको लेवल में कर लेंगे, तो क्यों ना अभी सारे इसको ऐसे ही कट कर लेते हैं, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा वो निकाल लेते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर लिया, अभी ये अच्छी तरह से चिपक गया है। सारे मैंने कट कर लिए है इसी तरह से। खाली स्लीव्स को मैं चिपकाना नहीं चाहूंगी, इसको जब हम लोग स्टिचिंग करें तब हम इसको चिपकाएंगे, पैटर्न करना है ना इसीलिए। अभी ये वाला पार्ट हमारा ये हो गया है। अभी आपको लगा पीछे वाला पार्ट भी हमने चिपकाया नहीं दोस्तों, इसका हमें पैटर्न करना है। तो ये पैटर्न का वीडियो, अगला वीडियो वही होगा, कैसे पैटर्न रखा जाता है, कैसे कैनवस रखा जाता है, छोटी छोटी बातें अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो हमें लगता है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मैंने आपको बता दिया ब्लाउज का अस्तर सिलने के कटिंग करने के टाइम पे हमें डर क्यों लगता है। तो एकदम ऐसे कटिंग करने से आपका डर निकल जाएगा। तो हाँ दोस्तों, वीडियो देखने के बाद हमें प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना ना भूलो। धन्यवाद।